नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं द न्यूज ओशियन। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति बैठक हो रही है और हमारे साथ बैठे हैं नंद गोपाल नंदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आज इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या 2022 में दोबारा सरकार बनाएगी और किसानों पर क्या जो समस्याएं उस पर क्या राय है। स्वागत है जी, नमस्कार सर। उत्तर प्रदेश किसान आज जो है आंदोलन कर रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन में हमें कुछ भी नहीं कहना है। इस देश का जन जन इस बारे में जानता है कि कांग्रेस, बसपा और सपा झूठ मूठ में कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है और किसान कम उसमें अराजक तत्व तो ज़्यादा सम्मिलित हो गए थे। आपने 26 जनवरी की घटना देखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा कार्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा कार्य, आज देश में आतंकी घटनाएं बंद हुई हैं माननीय मोदी जी के सशक्त होने की वजह से। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश में रहने वाले 24 करोड़ लोगों को सुख शांति और समृद्धिशाली प्रदान करना चाहते हैं। अपराधियों के टिकट बारे में कहना चाहेंगे? राकेश टिकट आजकल किसान के मसीहा छोड़ कर राजनीति करने लगे हैं। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। सपा की सरकार में किस तरह से गुंडागर्दी, किस तरह से जातिवादी चरम पर था, जातिवादी सोच चरम पर थी, और बसपा की सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद था। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। राकेश टिकैत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे राकेश टिकैत? किसान ही छोड़ के वो राजनीति करने लगे हैं, बंगाल पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा कि कोई भी संगठन का मुखिया जब अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता है तो जो उनका संगठन जिस चीज़ के लिए बना होता है उनके साथ धोखा होता है। और टिकैत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो किसानों को धोखे में रख करके अपनी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं। जी, बंगाल में जो चोट लगी है ममता बनर्जी को, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, पूरा देश और इस देश का बच्चा बच्चा और आम जनमानस, सोशल मीडिया, सब कोई वो जानता है कि एक पॉलिटिकल ड्रामा, सहानुभूति गेन करने के लिए, एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक ड्रामा रचा गया और सब पर्दाफाश हो गया, खुल गया। क्या भगवा लहराएगा पश्चिम बंगाल में? निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी जैसे उत्तर प्रदेश में बनी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों पर अभी हमले हुए। समाजवादी अपने जो पुरानी मानसिकता है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, उसको छोड़ नहीं सकते। आपने देखा था जब मुलायम सिंह यादव जी थे तो उन्होंने हल्ला बोल पत्रकारों को पिटवाया था, उसी नक्शे कदम पर उनके बेटे चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ, माननीय योगी जी की सरकार में कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लिए आखिरी कुछ? इस देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, वो जागरूक है और अच्छी तरह से जानती है हमारे देश का भला कौन कर सकता है। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।